ज्यों ज्यों जिले में कंपनियां आती जा रही हैं त्यों त्यों वहां पे विद्युत की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी सरकार से विद्युत खरीद रही है और जिले से सब स्टेशन से अपने कंपनी तक विद्युत पहुंचाने के लिए खंभे की आवश्यकता होती है, और यह खंभा वे किसी के भी ज़मीन पर गाड़ती जा रही है। क्या समस्या का है अभी? हमारे ज़मीन में खंभा एक तो गाड़ दिए हैं, उसमें हमको बिना पूछे उसका कुछ मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। हमारे गांव में एक तो नवदुर्गा प्लान बैठा है, अभी वो किसानों को बिना पूछे और बिना ग्राम सभा का फिर दोबारा पुल गाड़ने का कोशिश कर रहा है। तो एक लोहे का और एक सीमेंट का दो दिख रहा है, तो वो कैसे कैसे है? वो पहले गड़ा था, उसमें उसका भी कुछ नहीं मिला है, उसका जानकारी नहीं है। भविष्य में इससे किस प्रकार की दुर्घटना या नुकसान हो सकता है? यहाँ भविष्य में वही तार टूटने वाला, कहीं खेती चलता होगा, मवेशी का भी खतरा है, हर आदमी का भी खर्चा माने उसमें नुकसानी हो सकता है। किसानों को बिना पूछे और बिना ग्राम सभा का फिर दोबारा पुल गाड़ने का कोशिश कर रहा है, जो कि उस खंभे में हर कृषक का जमीन पड़ रहा है, सब खेती वाला जमीन है। ग्राम पंचायत सरईपाली में जनवरी माह से खंभा गाड़ने की प्रक्रिया चालू थी, कुछ लोगों ने विरोध किया और इस खंभे गाड़ने में लगभग 35 किसान प्रभावित हैं। तो अभी आप सरपंच और पंच से बात किए तो क्या बोला हुआ? वो हमसे बात नहीं बोला है, जानकारी आपको नहीं दी है। हाँ। क्या चाहते हैं, खंभा उखड़ जाए कि मुआवजा मिले? उसका जानकारी लेकर के पंच सरपंच से गांव वालों से मिल के बातचीत हो जाएगा, उसके बाद में मुआवजा दे चाहे कुछ भी दे, बिना पूछे नहीं होना चाहिए। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगाई डी को इस नंबर पर फोन कर दबाव डालें। 94-25-53-23-80 पर फोन कर दबाव डाला जाए, ताकि लगातार इस प्रकार किसानों को बिना पूछे जिस प्रकार से उनके ज़मीन पर खंभा गाड़ा जा रहा है, यह बंद हो सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।